जय हिंद साथियों, मैं के नैरा फ्रॉम राजस्थान, देश की आवाज़, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। और अभी मैं पटेल चौक पे हूँ और मेरे साथ सुरेंद्र भाई पंजाब से और निकू भाई बिहार से हैं। आज क्या हुआ उसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको सुरेंद्र भाई और निकू भाई बताएंगे। तो सुरेंद्र भाई बताइए। सभी साथियों को जय हिंद। और सभी साथियों को हम बताना चाहते हैं कि आज हम मिलिट्री में गए थे, हमारे रिलेटिव थे तो उनसे मुलाकात की थी कि जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमने जानकारी लेनी थी। उसमें हम तीनों, नेहरा भाई और निकू भाई, हम तीनों गए थे। तो वहाँ से अभी तक उसमें जो 45 दिन का समय उन्होंने बोला हुआ था उस पर उन्होंने कुछ ठोस जवाब नहीं दिया है कि इस पर क्या आगे की रणनीति है, क्या कुछ करना है इन्होंने या नहीं करना है। तो वहाँ से तो कोई जवाब नहीं मिला। तो आगे जो हम पार्लियामेंट बजट सेशन आ रहा है, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, अपने MPs हैं, मिनिस्टर हैं, तो उनसे फिर एक बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ को बजट सेशन में फिर से बुलंद करें और जो हक अधिकार आपका, आपकी जो लड़ाई है उसमें पुनर्विजय हो आपकी। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों से कि घर में बैठे हो, जहाँ पे मतलब जो भी है पूरी मतलब सपोर्ट करें, मिलजुल के रहें, एक मंच पे आप लड़ो ताकि जो आपका रास्ता है, मंजिल है, वो एक है। तो सभी एकजुट होकर मिलजुल के आप लड़ोगे तो आपकी जीत मेरे हिसाब से निश्चित, गारंटी तो नहीं लेता पर कामयाबी, मतलब कि अगर कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो आप अपनी जंग को जारी रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जो भी आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहता है उसे सपोर्ट करें। तो हम आगे जो पार्लियामेंट में पूरी कोशिश करेंगे बजट सेशन में कि एक बार फिर से आपकी आवाज़ को बुलंद करें, जो आपकी मांग है, डिमांड है, अमित शाह जी से माननीय गृह मंत्री, उनसे फिर से मतलब उनसे बोलें कि जो बच्चों के गंभीर मुद्दा है इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें। तो कोशिश ये भी है हमारी कि BJP के किसी भी MP मिनिस्टर से मुलाकात करके उनसे, मिश्रा जी से डायरेक्ट मुलाकात की जाए, दो चार बंदों की, जैसे जितना पॉसिबल होगा वो भी हम पूरा, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। तो बस यही है कि सपोर्ट करें सभी को मिलजुल कर, आगे जो भी ट्विटर का जो कंपेन हम कर रहे हैं 21 तारीख को, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और कोशिश रहे कि जैसे रेलवे का चल रहा है ट्रेंडिंग में, मिलियन में चल रहा है, उसी तरीके से हमारी बात भी ट्विटर पर पूरा दिन ट्रेंडिंग पर रहे। तो इतनी बात ही मैं यही शेयर करूंगा। और जो आगे हमारे बिहार के भाई निकू भाई हैं वो आपसे दो चार बातें करेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद। और आज की मीटिंग से हमारे दो तीन चीज़ निकल के सामने आई है। पहला तो ये कि जो हमारा 45 दिन वाला संशोधन वाला मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ ACP के माध्यम से मिला था और बाकी HMO वगैरह से कुछ हमको ये सब 45 दिन के लिए नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ से तुरंत खारिज कर दिया गया था हमको। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हम लोग मिल के आने के बाद ये कन्फर्म हम लोग को है इस बात की जानकारी कि जो कुछ भी होना है अब सिर्फ और सिर्फ एक अकेला बंदा अमित शाह ही कर सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अमित शाह के लिए हम पूरा एफर्ट लगाए, अपना पूरी जी जान झोंक के मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट ली जाए हमारी अमित शाह से, और मिलेगी, ज़रूर मिलेगी अपॉइंटमेंट, ज़रूर मिलेंगे हम लोग। बस अपनी यूनिटी को कायम रखिए। और जहाँ तक हमें लगता है कि अभी भी लड़के हमारे एक मंच पे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे लड़कों को मतभेद है कि कोई हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। भाई एक बात ये सब भूल के सब लोग एक साथ हो, एक SSC GD का साथ हो। और हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की, हम लोग गारंटी लेते हैं इस बात की कि आने वाले समय में हमारे पक्ष में डिसीजन होगा और हर एक चीज़ में मिल के साथ दे। जैसे ट्विटर कैंपेन चलने वाला है, उसमें ट्विटर कैंपेन में भी मिल के साथ दीजिए। और यहाँ हमारे आने का ध्येय था कम से कम 60-70% तक अभी तक पूरा हुआ है, जो कि अभी मीटिंग होना बाकी है। अब कोशिश में ये लगे हुए हैं हम लोग कि मीटिंग हो, किसी भी तरीके से हमारी मीटिंग हो वहाँ पे, क्योंकि बिना अमित शाह की मीटिंग की हमारे कुछ बात नहीं हो सकती है आगे। और हम कोशिश अपनी जी जान पूरी लगाए हुए हैं कि मीटिंग हो जाए, और नहीं भी होती है ना तो हमको मतलब ये है, सारा सेटलमेंट हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कहाँ से क्या कर रहा है भाई। बस सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर यूनिटी में रहिए यहाँ पे, बाकी जो कुछ भी होगा हम लोग देखेंगे। होम मिनिस्ट्री में जब बात हुई हमारी तो सारा जो है उन्होंने एफर्ट मिश्रा जी पे डाल दिया है कि ये काम है, अकेले वही है जिनका जो मंत्रालय है वही कर सकते हैं। तो हम प्रयास तो वही कर रहे हैं कि लीगल तरीके से या तो पार्लियामेंट में बात रखी जाए, फिर से हम पूरी, मैंने पूरा वो बात कर रखी है, तो पूरी प्रयास रहेगा कि आपके पार्लियामेंट में एक बार फिर से बुलंद करें इस बात को। और प्रयास रहेगा मिश्रा जी माननीय गृह मंत्री से मिलने का भी, वो भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बाकी उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते। पर आप लोग हमें पूरा सपोर्ट करें जिससे कि हमें भी अपना काम करने में अच्छा लगे और मिलजुल के सभी एक मंच पे लड़ाई करें। यार एक कहावत है हमारे यहाँ बोली जाती है, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर अकेला कोई चाहे कि हम मिल के अपना ये काम करवा लेंगे, हम मिल के वो काम करवा लेंगे, भाई लिख के ले लो, कभी नहीं हो सकता है।
जब भी होगा हम एक मंच पे खड़े होकर लड़ेंगे तभी होगा। और बस केवल यही है कि अगर कोई आगे बढ़ के काम कर रहा है तो उसका अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको इग्नोर तक तो ना करें, बस उसको सपोर्ट कीजिए, हो सकता है वो बंदा आपके काम में आ जाए। हम ये सभी साथियों से एक बात जरूर इस चीज़ को सोचने के लिए ज़रूर बोलते हैं कि एक बार ज़रूर सोचिए इस बात को कि एक मंच पे आके काम कीजिए। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम आगे भी लगातार कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे, होगा, ज़रूर होगा। बिल्कुल भाई, आपको पता चल गया होगा कि गृह मंत्रालय से क्या रिस्पॉन्स है, तो आप सभी साथी जो है यूनिटी बनाएं, एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें और ट्विटर अभियान पे जो है विशेष तौर पे ध्यान रखें, हैशटैग का ध्यान रखें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।